सुन के हरियाणा का बच्चा मेडल ले रहा है, मोटा मोटा सोने का चांदी का आप माँ तो पूरा पीने पानी को नहीं ग्राउंड के चीज को बनाया खुद रोड के ऊपर बैठे की सरकार ने एक निर्णय लिया था कि कोरोना के चलते प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनल प्रमोट किया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की कुर्सी पर बैठे लोग कुछ विशेष अलग ही विचारधारा के लोग हैं जो नहीं चाहते कि किसान परिवार से, गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से आने वाले विद्यार्थियों को जो आर्थिक बोझ अभी झेलना पड़ रहा है उससे मुक्ति मिले। हमारी मांग है कि प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों का जो परीक्षा शुल्क है वो विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को पुनः लौटाने का काम करें, क्योंकि जब परीक्षा ही नहीं हो रही है, परीक्षा प्रणाली पर होने वाला पूरा खर्चा विश्वविद्यालय का बच रहा है, तो हमारी ये मांग है कि तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय प्रशासन प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क वापस लौटाने का काम करें। दूसरी हमारी मांग है कि सरल प्रश्न पत्र तैयार किया जाए, क्योंकि पाठ्यक्रम नहीं हो पाया, नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन नहीं हो पाया, आम विद्यार्थी इस बात से त्रस्त है, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन संवेदनशील लोकर विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला ले। इन मांगों को लेकर आज एनएसयूआई के नेतृत्व में राज के डूंगर महाविद्यालय से हम शांतिपूर्ण तरीके से छात्र इनकलाब के रूप में एक जो शुरुआत कर रहा है बीकानेर का नौजवान, बीकानेर का विद्यार्थी वर्ग, विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन देंगे और घेराव करेंगे कुलपति महोदय का। हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से विद्यार्थियों के पक्ष में निर्णय ले, अन्यथा हम बड़ी लड़ाई लड़ने का कार्य